एंड फॉर फेज टू वुड बी 22nd। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 नवंबर को पहले चरण के मतदान होंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 13 नवंबर पहले चरण के चुनाव होंगे, पहले चरण की वोटिंग 13 नवंबर को होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान किया है, झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 नवंबर तारीख याद रखिए, पहले चरण के चुनाव होंगे और 20 नवंबर को दूसरे चरण के। That through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra, कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी कि हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे। थैंक यू वेरी मच। झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड में दो चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 13 नवंबर को होगा, दूसरा चरण 20 नवंबर को होगा। 20 नवंबर को ही महाराष्ट्र में भी चुनाव होंगे और महाराष्ट्र में एक ही चरण में चुनाव होंगे। और 23 तारीख यानी 23 नवंबर को मतगणना यानी कि रिजल्ट का दिन होगा। तो पहले चरण में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 43 सीटों पर मतदान होंगे। पहले चरण यानी कि 13 नवंबर को 43 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में यानी कि 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, किसकी सरकार बनेगी। सबसे पहले सबसे तेज नतीजे आपको दिखाएंगे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। तो पहले चरण में 43 सीटें हैं, 13 नवंबर को उस दिन मतदान होगा। दूसरे चरण में 38 सीटें हैं, 20 नवंबर को मतदान होगा और रिजल्ट की तारीख होगी 23 नवंबर, जब सरकार बनेगी। और कई सवाल जो इस समय जहन में चल रहे होंगे उनका जवाब 23 नवंबर को मिलेगा। सबसे तेज नतीजे न्यूज 18 बिहार झारखंड पर देखना ना भूलिए।